हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया। वेटलिफ्टिंग में ये दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता है। उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। इससे पहले 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। चानू ने क्लीन एवं जर्क में 115 किलोग्राम वर्ग और स्नैच में 87 किलोग्राम वर्ग से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। इस बीच मीराबाई चानू को पीएम मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत मीराबाई चानू के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित है। भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। मीराबाई ने 2016 रियो ओलंपिक के निराशाजनक प्रदर्शन की भरपाई टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतकर कर ली। 5 साल पहले के इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्होंने वापसी की और 2017 विश्व चैंपियनशिप में और फिर 1 साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपने आलोचकों को चुप कर दिया। उन्होंने पीठ की परेशानी से भी वापसी की, जिसके कारण वो 2018 में अच्छा नहीं कर सकी थी। मीराबाई जब 24 जुलाई को भारोत्तोलन अरेना में उतरी तो इस प्रदर्शन का असर उनके आत्मविश्वास पर दिखा। हाल के वर्षों में उनका क्लीन एवं जर्क में शानदार प्रदर्शन उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे ही रखता आया है, पर उनका स्नैच स्पर्धा में प्रदर्शन अक्सर परेशानी का कारण बनता रहा है। कंधे की चोट की वजह से वह स्नैच में जूझती रही हैं, जिसे वह खुद भी स्वीकार करती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।